आप अकेले आए हो? काय मैम? ओ एंजॉय चल रहा है आजकल, है? सही है, सही है। क्या करते हो आप अकेले फिर? नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूँ अकेले क्या करते हो? अकेले रहते हो? चलो सही है। और कभी कभी याद आए तो? है? कौन सा है होम टाउन? रतलाम। अच्छा अच्छा आपने बताया रतलाम, चलो सही है। यहाँ पे तो कोई सीन नहीं है ना। कह रहे कोशिश भी नहीं कर सकते, करना चाहते आराम कर। I've been married for about 3 years now. Okay. And anyone recently married over? कोई है? Anyone? You guys? How long has it been, sir? 7 days. 7 days? अबे क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के? इतनी मेरी फालतू की बातें सुन रहे घर पे अपना? घर पे माहौल बनता बढ़िया एकदम, थोड़ा दो दो बियर लगा दे। हाँ आज दोबारा आज नया। और सही है यार, 7 दिन में आपको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी किसी और को सुनना पड़ गया? इतना भी नहीं इंटरेस्टिंग रख पा रहे क्या सर आप लाइफ? अभी 7 दिन में मेरी जरूरत पड़ गई? मेरी जरूरत पड़ती है 1.5-2 साल बाद। क्या है, हट यहाँ से। 7 दिन में ऐसा क्या हो, सब हो गया क्या? क्या पेरेंट्स क्या रहते? तो सब रहते पेरेंट्स क्या, तो मतलब ये थोड़ा मतलब नहीं, तो पेरेंट्स हमेशा साथ में रहते हैं क्या आपके? कहीं कब जल बैठे बैठे हम चलो करो ठीक है बात। अरेंज मैरिज, लव मैरिज, अरेंज मैरिज? अरे तो सब कुछ ताजा ताजा है फिर तो। लव में तो थोड़ा पता रहता है ना क्या है? हाँ पता है, सच्चा प्यार था, वरना तो 2 मिनट वाला ही है। और मैम ये क्या, ये चूड़ा, ये चूड़ी है क्या? ये चूड़ा ग्रीन कलर का? अच्छा, महाराष्ट्रियन लोग ग्रीन कलर का चूड़ा पहनते हैं? ओ ओके, चलो। कैसे मिले, कौन सी वेबसाइट से? व्हाट्सएप से मिले? आप रैंडम बंदियों को भेज रहे थे, वांट गेट मैरिड? रैंडम, आर यू महाराष्ट्रियन? यस। वांट गेट मैरिड? यस। व्हाट्सएप पे कैसे मिलते सर? व्हाट्सएप का ग्रुप था, मतलब उस ग्रुप पे सारे ऐसे अविवाहित जोड़े आते हैं क्या? अविवाहित सिंगल्स आते हैं? अच्छा, ये ग्रुप कहाँ बन रहा है बताओ जरा, हम भी ज्वाइन कराएं। दो चार हमारे भी दोस्त खाली बैठे हैं, मेरे को दोस्त को ऐड करो, नंबर लिखो, मेरे दोस्त का नंबर लिखो। मजाक नहीं, मेरे दोस्त का खट्टर, उसका नंबर लिख लो, मजाक नहीं करना। कज़न का क्या, रोशनी में नंबर दे रहा हूँ सच में। आप एडमिन हो उसके कि नहीं हो? अभी लिखो, कभी लिखो, लिखो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसको ऐड करो। है आप एडमिन हो कि नहीं हो उस ग्रुप के, ये बताओ। आपकी मम्मी एडमिन है? तो आप कैसे घुसे उस ग्रुप पे? भाई ये कैसी शादियां हो रही है व्हाट्सएप वाली? आप पता है इन लोगों इस शो में इंटरेस्ट ही नहीं, इनको सिर्फ ये जानना है ये क्या है, ये कैसे हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, 2-3 मैम आई हैं जो अपने बच्चों के लिए लड़के लड़की ढूंढ रहे हैं, वो तो उठ करके आ जाएंगे, बेटी जरा बताना जरा मम्मी का नंबर। कितना टाइम कोर्टशिप, मतलब कुछ बात करें आज व्हाट्सएप पे? विद इन अ वीक शादी कर ली? मतलब 2 हफ्ते में ही हो गया सब? हाँ। मैंने कहा भाई ये क्या तरीका यार, इतना कौन सा तेज प्रोसेस है? 1 हफ्ते में फिक्स हुआ, अगले हफ्ते में शादी करके सब शो पे भी आ गए। हाँ जी, सही यार, ये सीन अच्छा है, ये बढ़िया, नाइस नाइस। वेलकम टू द शो गाइस। व्हाट्स योर नेम सर? अजिंक्य। वेरी मराठी नेम, अजिंक्य नाम के लड़के को तो मम्मी ने ओके, नाम इज परफेक्ट। मैम आपका नाम? प्राजक्ता। हेमल, हेमल, ये अलग है थोड़ा। देखो मेरे को लगता है शादी के इमीडिएटली बाद हनीमून की जरूरत नहीं है गाइस, अभी तो क्या मामला गर्म है, अभी क्या माहडा और क्या मालदीव्स।
मेरे को लगता है हनीमून या घूमने की जरूरत पड़ती है शादी के एक डेढ़ साल बाद। इधर देखना जो दो दो साल वाले कपल बैठे होंगे ना, थोड़ा खुंदक में रहते हैं एक दूसरे से हमेशा कि क्या है, दूर रह यार, उठ जा रहा सुबह सात बजे, जा यार ऐसे। देन यू हो गया ना, तुम्हारे डेढ़ दो साल हो गए ना। ये क्या कर रहा गंदा एक्शन मेरे को। सात साल हो गए तो ये क्या होता है भाई, मेरा कितना, मैंने पूछा भी नहीं, कह रहा ये हो गया, सीधा नहीं होता सीधा। कह रहा सात साल में भाई ऐसे ही हो जाता है भाई। इसको ये करने के लिए मालदीव की जरूरत पड़ती है। मजा आ रहा है मैम आपको सर, आपको रतलाम जी। अरे रतलाम तो वो वाला गांव था ना, वो पिक्चर में था, वो बहुत गलत था। कैसे बहुत सुंदर है क्या रतलाम? सॉरी सर, उन्होंने फैक्ट्स में गलती कर दी। मैं सॉरी। अच्छा आपसे पूछ, आप SBI में थे ना उधर, आप सुनते नहीं हो। कई बार तो मेरे को ऐसा लगता है मैं क्या इंटेलिजेंट हूँ यार, मैं क्या स्पॉन्टेनियस हूँ भाई। नहीं नहीं नहीं, ऐसी हल्का हम्बल है जी, आप हो तो हम है। सही है, क्या नाम सर आपका, उतने पीछे आप जो बैठे हो? हाँ हाँ, आप ही फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आप ही का नाम आया। यस, वैसे अगर देखा जाए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट एक गंदी लाइन भी है ना। Why do you date him? He's fastest finger first, you know. He won fastest finger first. और सही, क्या नाम भाई आपका? निखिल। निखिल भाई क्या करते हैं आप? बिजनेस है। किस चीज का? स्टील का। सही है यार, अमीर जनता भी आ रही है अपने शो में। मतलब स्टील प्लांट है कि ठटेरे की दुकान है? बर्तन नहीं, मेरा ड्रीम जॉब यही, मेरे को पता, मेरा कसम से बचपन सपना है भाई, मेरे को ना कुकर की दुकान खोलनी है। कसम से, कोई मानता नहीं मेरे को, यही दुकान एक तो नहीं पता कैसे एरिया में दुकान खोलनी है। आप ऐसे कैसे बताओ, घाटकोपर वगैरह एरिया नहीं होता, एक लंबी सी शॉप नहीं होती, लंबी सी शॉप रहती है ऐसे नहीं, एक जिसमें सिर्फ लंबा सा बेंच लगा होता है, सिर्फ तुम घुस सकते हो और भाई दिखाऊंगा तुम्हें। ये नहीं कि आई विल सिलेक्ट दिस, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ मैं दिखाऊंगा कुकर कढ़ाई, वो नहीं होता वो सब, और बाहर एक बंदा बिठाऊंगा जो कुकर पर रबड़ चढ़ाएगा। मेरा बचपन का सपना ये था कि मेरे को ऐसी शॉप खोलनी है। अरे क्या हो, रिपोर्टर हो आप, एंकर हो आप? सही है, तो कैसे अर्नब से कैसे कंपटीशन करोगे? थोड़ा एक बार चला के दिखाओ, एक बार हल्का 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 हल्का, पता तो चले आप अर्नब के बराबर जा सकते हो कि नहीं। नाउ एवरीवन वांट्स टू नो। मैं भी वैसे जर्नलिस्ट था पहले, देन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई। मैंने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता। कैसे चलेगा ऐसे? ऐसे तो आप तो एकदम सॉफ्ट आराम से बोल रहे हो, नाइस नाइस, ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा तो गंदा बोलो किसी को। आपने पकड़ा किसी गांजा वांजा पकड़ा किसी का? नहीं। या पति का, यार तुम फिर चरस लेके आ गए आज घर? ऑडियंस भी डर रही, अरे हम ये तो सोच रहे मेरी जेब में गांजा पड़ा है भाई। कहीं पीछे से यही माइक उठा के ना चालू हो जाए, बताइए आपके पास कहाँ है, मेरे से माइक छीन लिया, इधर देख कहाँ है गांजा, बताओ। जब हुआ था ना उसका केस रिया चक्रवर्ती वाला, मैं दोस्त के घर बैठा था, उसके घर में मिला 80 ग्राम का, कितना ग्राम, 8 ग्राम कुछ तो गांजा, और मेरा दोस्त जब पूरा डब्बा पैकेट लेके दिस इज ऑल अ कॉमेडी शो, हियर इन वी डोंट से ट्रूथ, ओके गाइज।